हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग एंड स्वागत है आपके हमारे एक न्यू व्लॉग में। यू आर चेक ए आर जस्ट नहीं पागल सी। एंड यार, मैं जैसे कि आपको पता बर्थडे था, बट मैं बताना भूल गया था, मेरे को एक और गिफ्ट दिया था हर्ष ने, ये वाली टी शर्ट सी है। टी शर्ट कहते हैं, शर्ट कहते हैं इसको, पता नहीं मुझे, तो ये वाली दी थी। इसको मैंने दिखाया नहीं था, बट फिर याद आया कि हाँ दिखा देते हैं इसको भी। ये चेक करो, कुछ ऐसी है। एंड यार, मैं तो मतलब वाइट कलर आज तक इतना नहीं पहना है, पहली बार तो नहीं, मतलब हाँ बहुत कम पहनता हूँ, बट ये मस्त लगी मेरे को, एक नंबर की। तो इसको अभी पहनना था मैंने कल भी, बट कल व्लॉग नहीं बनाया इसको पहन के। और मैं अभी थोड़ा सा पढ़ रहा था, ये भी लैपटॉप चला हुआ है, एंड अभी जस्ट सोचा कि हाँ अभी थोड़ा व्लॉग कंटिन्यू कर लेते हैं, तो ये अपना व्लॉग रहा। एंड आज ना मम्मी बहुत खुश थी सुबह सुबह, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कौन सा पेड़ है वो, पराजिता का पेड़ है ऊपर वो, ये वाला ना जो सा, ये इस पर फ्लावर्स आ गया है। इसको मैं ना आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ एक बार, और फ्लावर्स थोड़े से उनकी ना कुछ खास बात है फ्लावर्स की, तो इसीलिए वो अलग है थोड़े से। देखो फ्लावर कहाँ पे, मेरे को फ्लावर दिख नहीं रहा इस पर। हाँ ये रहा, ये रहो एक नंबर का ब्लू वाला फ्लावर, देखो ये इसके ना, ये है जो फ्लावर, इसके शायद कुछ करके पता नहीं पत्तियों को या कैसे करके सिर में भी लगाया जाता है इनको। वैसे तो बहुत सुंदर लग रहा है फ्लावर, मैंने पहली बार देखा है ऐसा। गाइज आपने देखा हो तो आप भी कमेंट करो, या किसी घर पे हो तो। यूनिक सा है थोड़ा फ्लावर के अंदर भी फ्लावर। ओ गाइज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी सॉरी, अभी मम्मी ने बताया ये सिर में लगता फूलों की या पत्तियों की, फूलों की चाय बनती है जिससे अच्छा डाइजेशन रहता है, तो मतलब दिल के लिए, हार्ट के लिए भी अच्छी है, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है। इससे जो नॉर्मल टी पीते हैं ना, इससे अच्छी रहती है। और अब मैं अपने लिए बना रहा हूँ पास्ता, ये देखो पास्ता उबलने के लिए रख रखा है मैंने, थोड़े से मंदी उस पर देखते रहेंगे मम्मी या तरुणा, तरुणा तो अभी पढ़ने बैठी है, मैंने कहा था उसको कि थोड़ी सी पढ़ ले, क्योंकि यार सारा दिन मैडम जी अपना कुछ कुछ करती है। कल इसका पेपर पढ़ लिया क्या, और मैं वेरी गुड, वैसे बीच में लग जाते हैं शॉर्ट्स चलाने, बट ऐसा तो सभी करते हैं। हाँ पढ़ती है तो पता है मेरे को जैसे पढ़ती है, अरे नंबर बता देंगे तो बढ़िया, नहीं बढ़ी ठीक है। हेलो गाइस, अपना सस्ता वस्ता पास्ता बन के रेडी है, जैसा भी है। वैसे कलर इसका येलो येलो सा दिख रहा है थोड़ा, बट ये रेड रेड है, पता नहीं कैमरे में क्यों आ रहा है अलग सा कलर, वैसे अजीब सा है मेरे को, मतलब अजीब नहीं, रेड सा कलर है बट कैमरे में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो चलो इसको मैं खा लेता हूँ, मतलब सब खा लेते हैं। तो गाइस अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, ना दोगे नेक्स्ट डे है, एंड मैं अभी पानी बचा रहा हूँ, कुछ काम है एक, तो अपना हेलमेट पहन लिया है, बाइक पे चलते हैं। क्या स्नाइपर भी आओगी ना, तेरे को नहीं आना, ओके। नहीं नहीं गाइस, हेलमेट इसीलिए पहनना है क्योंकि वहाँ पे पुलिस वगैरह होते हैं, तो फिर क्यों ही वो करना इतना, तो बाइक पे जा रहे हैं इसीलिए, तो चलो चलते हैं। लो गाइस एक बार चेक करो, मैं पानी बच से आ गया हूँ, एंड ये स्नाइपर मैडम ने आके देखा, स्नाइपर ने पता है क्या कर रखा है, देखो एक चुइया को मार दिया हुई बेचारी छोटी सी बच्ची को, इसके मुंह से भी खून निकाल दिया, पता नहीं कैसे क्या किया है स्नाइपर पागल ने, कैसे देख ले तो ना इसको, मतलब कि हाँ हाँ, और शराब चल रहा है ना आज, दादी का शराब है, तो इसने क्या काम कर दिया है, छोटी सी चुइया की टिंग टिंग कर दी है, ये देख ले तो ना इसको, इस प्लॉट में वो किराया मतलब देख ले कैसे, बिना यार डस्टबिन में डालेंगे तो निकाल लेगी स्नाइपर वहाँ से, एंड पीछे प्लॉट में भी वो करेंगे तो बहुत तेज ना होगा, इसका निकाल लेती है ये, तो इसलिए इसको अगर प्लॉट में ही फेंक देंगे, मतलब थ्रो कर देंगे आगे, साथ साथ में मेरे चलते तभी आ जाती है पागल स्नाइपर मैडम। और ये देखो पिछले प्लॉट में जंगल हो गया बिल्कुल, वहाँ भी इधर भी, यार एक प्रॉब्लम है जो हमारे पेड़ मतलब कट करता है ना इनको सबको, इसको भी उधर जो सारा हो गया घास वगैरह सबकी सबको सेट कर देता है। कौन सा पेड़, अमरूद तो भी बड़ा हो गया, अरे ये किस चीज का पेड़ है आप बताओ, आपको पता होगा, पता नहीं किस चीज का पेड़ है, इस अमरूद के पेड़ में से निकला है, अमरूद का तो नहीं है, हाँ मतलब नीचे में तो निकला है, बट इसमें तो होगा ऐसे जा रहा है स्पोर्ट लेके इसका, तो क्योंकि जो मैं बता रहा था जो हमारे ये करता है ना सारा सब कुछ इनका प्लांट्स का, तो उसके पैर में लगी है चोट, उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है, तो अभी नहीं कर सकता। स्नाइपर तेरा घर है वो, जिमी का घर था वो, कोई नहीं है उसमें,
मैं भी यार कभी आते नहीं पीछे इतना। जब उसका पैर ठीक हो जाए वो अपने आप आ जाएगा, और किसी से हम करवाते नहीं क्योंकि और कोई यार मतलब वो काम नहीं कर पाते जब वो करता है, बेस्ट वर्क है उसका, तो अभी हो जाएगा ठीक तब करते हैं। कोई नहीं, भी वैसे कोई नीड भी नहीं है, सर्दी में पीछे आएंगे प्लॉट में, धूप आएगी तब बैठने के लिए आया करेंगे। एंड अभी अपना करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। ओके स्नाइपर बाय।